नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रियल फैक्ट जानने के लिए पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में और जानते हैं क्या है सच्चाई। आज लोगों का क्या विचार है, 2 साल हो गए हैं लगातार जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं वो समाज में नहीं हैं, 2 सालों के बाद लोगों का आज उनके बारे में क्या कहना है, ये करते हैं हम सवाल जनता से, लोगों से क्या कहते हैं आज वो लोग। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वीना इंसा। वीना इंसा जी, आज क्या कहोगे आप गुरुजी के बारे में? गुरुजी के बारे में पहले भी हम यही कहते थे कि वो सच है, सच थे और सच ही रहेंगे, और आज ही हम यही कहेंगे, क्योंकि जो हमारे गुरुजी ने कार्य किए 134 मानवता भलाई के कार्य, वैश्याओं को जिन्होंने बेटी बनाया उनके बारे में ये बात कहना, ये शोभा नहीं देता। जिन्होंने गरीबों की शादी की, मतलब किन्नरों को वो समाज का थर्ड दर्जा दिया, आज उनके बारे में उनके वो सारे काम वो भूल गए, वो कहाँ गए वो काम, जब मीडिया वाले ही कहते थे कि यहाँ पर ये काम 150-600 में ये काम होते हैं, आज वो कहाँ गया सब कुछ। ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती जो उन्होंने हमारे बारे में 150-600 बारे में और हमारे गुरुजी के पूजने गुरुजी के बारे में कहा है, वो तो पहले भी गलत था और आज भी गलत है। तो आप मीडिया की बात को नकार रहे हो, तो फिर सच्चाई क्या है, कैसे हैं फिर गुरुजी? हमारे गुरुजी तो बिल्कुल पाक पवित्र हैं और उन्होंने डेरे सच्चे सौदे में जो मानवता भलाई के समाज सुधार के काम किए हैं, वो आज तक कोई ऐसा संत नहीं आया जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, जिन्होंने मतलब कि विपदा पड़ी कहीं भी, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा पड़ा, वहाँ पर भी उन्होंने राशन भिजवाया उन्होंने अपने सेवादारों को भेज कर। तो आज मतलब कि उनके ऊपर ऐसी बातों का आरोप लगाना, ये कैसे मतलब कि कैसे शोभा देता है। हम तो बिल्कुल इस चीज़ को नकारते हैं कि मीडिया ने जो भी दिखाया बिल्कुल गलत दिखाया है। फिर जो लड़कियां यहाँ पर आती हैं, क्या सच्चाई है उनकी, किस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जाता है? लड़कियों के साथ तो वही व्यवहार किया जैसे एक बाप बेटी के साथ करता है, क्योंकि जहाँ पर 6 करोड़ की संगत है उसे मोस्टली बेटियाँ हैं, और बेटियों को जो पिता ने जिस मुकाम पर पहुँचाया है वो आज तक किसी संत ने नहीं पहुँचाया, क्योंकि पिता ने बेटियों को वो प्यार दिया है, प्यार तो सभी को दिया है लेकिन बेटियों को तो एक अहम दर्जा दिया है, कि वो भी आज सोचती हैं, फख्र से कहती हैं कि हम बेटी हैं, क्योंकि बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई हैं, चाहे वो सिल्वर मेडल है, खेलों का योगा का है, हर जगह उन्होंने मेडल लिए हैं। तो ये किसकी बदौलत है? ये हमारे पूजन गुरु संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा की बदौलत है, इसलिए कि उन्होंने जो बेटी जो दर्जा दिया है वो आज तक कोई संत ने नहीं दिया। तो इसलिए आज सरकार को भी ऐसे समाज सुधारक की ज़रूरत है जो कि दुनिया में कहीं भी हमें नज़र नहीं आता। एक गुफा का भी चैप्टर काफ़ी चला था, क्या है गुफा की सच्चाई क्या है? वो एक रिजॉर्ट है, प्रोग्राम है वहाँ पर, मतलब कि सेवादारों को बुलाया जाता है, कोई दूसरा कोई प्रोग्राम देखना चाहे तो वो वहाँ पर बैठ के इकट्ठे होते हैं, मतलब कि वहाँ पर बैठकर मानवता भलाई के कार्य बताए जाते हैं और मतलब कि उनको मोटिवेट किया जाता है। कुछ भी नहीं है, इन्होंने बिल्कुल ऐसे गलत दिखाया है, क्योंकि इन्होंने खुद देखा भी हुआ है, मीडिया वालों ने, ये खुद एक बार आए भी थे और इन्होंने खुद ये कहा था कि बहुत अच्छा ये बना हुआ है रिजॉर्ट, और आज हमें समझ नहीं आ रही कि इसी रिजॉर्ट को इन्होंने ये अयाश का अड्डा बता दिया। वो गुरुजी के बारे में जिनके बारे में सोचना भी एक पाप है कि ऐसा समाज सुधारक ना दुनिया में कभी मिलेगा ना कभी होगा। एक जो लोग आप लोग यहाँ पर आते हो मतलब उनके ऊपर भी सवाल था, खासकर मैं लेडीज़ की बात करूँ तो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, आप लोगों की जो यहाँ पे आने वाली लड़कियों की इज्जत की अगर बात करें उनको भी तार तार किया गया, क्या कहना चाहोगे आप लोगों को? बिल्कुल गलत है, यहाँ की जो लेडीज़ को आप कहते हो कि उनको जो सम्मान दिया गया, हमारे गुरुजी अपने मतलब की बात भी करते हैं तो 10 फीट की दूरी पर खड़े होकर करते हैं और अपने पैरों को भी हाथ तक नहीं लगवाते, कैसे सोच सकते हैं? वो तो मतलब की जो उन्होंने हमें सिखाया, जो हमें पता नहीं था कि बेटी होने का क्या वो होता है, आज सतगुरु ने हमें सिखाया, आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं सिर्फ अपने सतगुरु की वजह से खड़े हैं, गुरुजी की वजह से खड़े हैं। आज उनके बारे में ये बात कहनी, यहाँ पर तो जितनी औरतों की इज्जत की जाती है, मर्यादा में रखा जाता है, भाई लोग अलग बैठते हैं, बहनें अलग बैठती हैं, जितनी मर्यादा इस पे डेरे सच्चे सौदे में ऐसी मर्यादा कहीं देखने में नहीं मिली। नरकंकाल के बारे में क्या कहोगे आप? नरकंकाल के बारे में तो ये है कि जैसे हमारे पिता ने एक मुहिम चलाई थी
कि जैसे किसी का भी जला लेता कोई बॉडी, आप उसके जैसे बॉन्स हैं आप डोनेट करते हो तो भी कहीं परवाह करते हो, तो आप वहाँ करने की बजाय यहाँ ले आओ, उसके ऊपर पेड़ पौधे लगाएंगे तो ताकि पर्यावरण हमारा सही रहेगा। इसके बारे में वो था ना कि कोई नरकंकाल, क्योंकि वो उन्हीं की बॉन्स थी जो मतलब कि इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके ऊपर पौधे लगाने का कार्य था और कुछ भी नहीं था, ताकि हमारे पर्यावरण जो है वो शुद्ध रहे। और इसके बारे में यही है सच्चाई, और कुछ भी नहीं है। देखिए ये है रियल फैक्ट जो हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट के माध्यम से हम आपके सामने जो बात रख रहे हैं कि रियल फैक्ट आपको क्या बता रहे हैं, क्या है गुफा की सच्चाई, क्या है नरकंकाल की सच्चाई। लगातार आपने बहुत सारी हेडलाइंस देखी होंगी, सूत्रों के हवाले से आपने देखी होंगी, ये उन लोगों के मुंह पे भी करारा तमाचा है जो कहते हैं वहां पर ऐसा होता है। देखिए एक तरफ रियल फैक्ट्स आपको क्या बता रहे हैं और आपने क्या देखा। मैम और भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, फिर देश के लिए आपको क्या लगता है, देश के लिए कुछ काम किया है गुरु जी ने? देश के लिए तो हमारे गुरु जी ने बहुत काम किया है, देश की उन्नति के लिए तो सारे कार्य हुए हैं, हमेशा उन्होंने अपने देश का सम्मान किया है। फिल्म भी एक बनाई है पिताजी ने, हमारे एक हिंद का नपाक का जवाब था, और जट्टू इंजीनियर, हर एक में सतगुरु ने अपने देश के बारे में ही उन्होंने कहा था, जहाँ हमारा भारत देश है वहाँ पर कोई देश नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए देश के लिए तो हमारे सतगुरु ने हर पल उनका सम्मान करने के लिए, उनकी इज्जत करने के लिए हमें शिक्षा दी है, और आज हम जो अपने भारत देश की सरकार की इज्जत कर रहे हैं अपने सतगुरु की बदौलत कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि जो संत ने भी इस सरकार के बारे में और देश के बारे में इतना कुछ कहा हो, ताकि हम सरकार से अपील करते हैं कम से कम आप दोबारा तहकीकात करो, दोबारा देखो कि सच्चाई कहाँ पर छुपी हुई है, उस सच्चाई को बाहर निकालो। हमारी यही गुजारिश है, हमारी मेरी नहीं है अकेले, 6 करोड़ संगत की है, हमारी आवाज़ को सुनो और हमें न्याय दो, हम सिर्फ यही चाहते और कुछ नहीं चाहते। थैंक यू सो मच। ये है 6 करोड़ लोगों की आवाज़ जो लगातार हम दिखा रहे हैं कि ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और गुरु जी को समाज में वापस आना चाहिए। इतने काम जो गुरु जी ने समाज के लिए किए हैं और रियल फैक्ट क्या है और आपके सामने क्या परोसा गया, ये हैं जो आपको दिखा रहे हैं, लगातार हम लगे हुए हैं। आपकी क्या राय है, खुले दिमाग से जरूर सोचिए, आखिर इस तरह से क्यों किया गया, ये आप लोग खुले दिमाग से सोच कर जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय। देखते रहिए, जुड़े रहिए द फैक्ट टेक के साथ, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।